अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ विद मी चैनल में आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा डो। आमतौर पे बच्चे कभी भी ज़िद करने लगते हैं कि हमें पिज़्ज़ा खाना है, तो आप बहुत ही जल्दी से इसको घर में बना सकते हैं। इसके लिए मुझे 2 कप यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, ये 2 कप मैदा लेकर छान लिया है। साथ ही हमें 1 टेबल स्पून फुल भरकर मैंने यहाँ पर ड्राई ईस्ट ले ली है, ड्राई ईस्ट मतलब सूखी हुई ईस्ट। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ शुगर ले ली है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ ऑयल ले लिया है, 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर सॉल्ट ले लिया है। इसके अलावा हमें हल्के गुनगुने पानी की ज़रूरत होगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं अपना पिज़्ज़ा डो। तो डो के अंदर हम सबसे पहले अपने आटे को इस तरीके से कर लेंगे। ये हमारे पास मैदा है, इसमें हम डालेंगे ड्राई ईस्ट। आप चाहें तो एक्टिवेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून शुगर। इसी में हम ऑयल ऐड कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके, हल्का गुनगुना पानी डाल करके इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और डो हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। तो अब इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। आज मेरे बेटे का पेपर था, उसकी पहली फरमाइश सुबह उठते ही यही हुई कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो आज मैं अपने बेटे की फरमाइश पे बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा। डो हमारा अच्छी तरीके से हमने गूंद लिया है। अब आप देख सकते हैं कि डो की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, ना ही ये सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ हो। तो ये कंसिस्टेंसी एकदम से परफेक्ट हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा हाथ लगाएंगे ऑयल का इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरीके से, ताकि जब हम ये डो रखें तो इसके अंदर ये चिपके नहीं इस तरीके से। अब हम अपने डो को इसके अंदर रख देंगे। इस पर हल्का सा हमने ऑयल लगा दिया है इस तरीके से। अब इसको हम रैप कर देंगे एक रैपिंग पेपर से इस तरीके से। इसको हमने अच्छी तरीके से क्लीन रैप से रैप कर दिया है। अब इसे हम 1 घंटे के बाद में चेक करेंगे। अगर आप ज़्यादा फॉर्मेट करना चाहते हैं तो ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। मैं इसे सिर्फ 1 घंटे के लिए रखूँगी। पिज़्ज़ा डो को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा फॉर्मेट हो चुका है। ये देखिए कितना शानदार हमारा पिज़्ज़ा डो बनकर तैयार हो गया है। ये डबल से भी ज़्यादा हो चुका है और बहुत ज़्यादा, ये देखें आप। आप भी पिज़्ज़ा डो को घर में बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। मैंने आपके सामने बनाकर दिखाया है। ये देखिए आप कितनी एयर है इसके अंदर। इसको हम थोड़ा सा, मैंने ऑयल का हाथ लगाया हुआ है, इसे हम इस तरीके से दबाकर एक बार इसकी एयर सारी निकाल देंगे। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है अपने बच्चों के लिए बना के ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों की तो फरमाइशें ऐसी होती हैं कि फटाफट से बस मम्मी कर ही देंगी। मम्मी को लगता है कि जैसे जादू की पुड़िया होती है, फटाफट जो हम मांगेंगे फटाफट हो ही जाएगा। तो बनाएं आप भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए स्पेशली। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर हाज़िर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।